भगवान बाप आकर के राजयोग सिखा करके अपने बच्चों को राजा बनाता है, राजाई के संस्कार धारण कराता है। दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स हुए, उन्होंने सभी को अपना फॉलोअर्स बनाया, आधीन बनाया, दास दासी बनाया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आकर के भारतवासियों को नौकरी करना सिखा दिया, नौकर बना दिया, भगवान बाप क्या करते हैं? भगवान बाप आधीन बनना नहीं सिखाते, स्वाधीन बनना सिखाते हैं, स्वस्थिति में धारण करना सिखाते हैं। बताते हैं स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह, स्वमने आत्मा, स्वधर्मे मना आत्मा के धर्म में टिकना ये बहुत श्रेष्ठ है। परमाने प्रकृति पांच तत्व, पांच तत्व के बने हुए शरीर को प्रकृति का श्रेष्ठ पुतला माना गया है। इस धर्म में रहना, इसका मनन चिंतन मंथन करना, देह की याद करना, देह के संबंधों को याद करना, देह के पदार्थों को याद करना, देहधारी धर्म गुरुओं या धर्म पिताओं को याद करना, देह नाशवान है या अविनाशी है? नाशवान है, तो नाशवान को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अविनाशी बनेंगे है? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर को याद करेंगे चोर बनेंगे, डकैतों को बुद्धि से याद करेंगे, उनका संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, व्यभिचारियों के संग रहेंगे तो व्यभिचारी बनेंगे। तो भगवान आकर के बताते हैं कि ये जितने भी देहधारी धर्म गुरु या धर्म पिताएं हुए, उन्होंने देह के धर्म सिखाए, इन सर्व धर्मों को परित्यज्य, इन सब को छोड़ दे, मैं जो बताता हूं अपन को आत्मा समझो, देह मत समझो, अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को याद करो।